अब तो बड़े साइज की लड़कियां सिलेक्ट ही नहीं हो सकती। क्या है ना, गेम खेलने के लिए डाइट शाइट करनी पड़ती है भाई। मोटे लोगों का मैदान में क्या काम? खेल टेक्निक से होता है और जज्बे से, वरना अगर तुम्हारे फॉर्मूला पर चलने लग जाते ना तो जावेद मियादाद, इंजमामुल हक, डेविड गून और राणा टुंगा कभी इतने बड़े स्टार्स ना होते। वो तो अपने करियर में कभी आगे ही ना बढ़ पाते। ओहो, वो तो क्रिकेट था। मेरा ना एक मशवरा है तुम्हें, तुम ना नेक्स्ट टाइम फुटबॉल में हिस्सा लेना, फुटबॉल बनके। अच्छा बताती हूँ तुम्हें, बताती हूँ तुम्हें अभी मैं। क्या बताऊँ मैं? Maintain discipline. What's happening? Ma'am, yes. Reshma, go inside. But ma'am, I said go inside. Okay. मैडम पता नहीं इसको देखे किस चीज की अकड़ है इसके अंदर इतनी, पूरी की पूरी फुटबॉल ही तो है ये। अकड़ तो इसकी कल खत्म हो जाएगी। वो कैसे? कल जब तुम सब लोग खेल रहे होगे तो ये तुम सबको पानी पिलाएगी, एक्स्ट्रा बन। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। जश्न होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ थोड़े पटाखे शिटाखे होने चाहिए। तो ये थी सारी बात। अगर मैं होती तो उनका मुंह तोड़ देती। मैं हाथ दिखाना जरा। ना बेटा ना, इनसे तो नहीं टूटता किसी का। हाँ, लेकिन किसी के मुंह से टकरा कर ना तुम्हारी दो तीन उंगलियां जरूर फ्रैक्चर हो जाएगी। अच्छा, तो तुम तो पहलवान के खानदान से हो, तुमने उनको क्यों नहीं सबक सिखाया? मैं वो आज नहीं छोड़ूंगी इनको, कहां है मेरा डंडा? रह जा, अभी सबक सिखाती हूं। डिंकी और उसकी दोस्त थी, किसी को एक आधा हाथ तो नहीं मार दिया ताकि मैं एम्बुलेंस कॉल करूं? माफ कर दिया। इस साल सोमो रेसलिंग भी है? नहीं, क्यों? हाँ, आपका क्या नाम है? रेशमा। नाम और जिस्म में बहुत फर्क नहीं भाई? नाम रखने से पहले क्या पता था कि रेशमा क्या बन जाएगी? डिंकी, बस। क्या? डिसिप्लिन गर्ल्स। रेशमा, आप यहां से जा सकती हैं क्योंकि आपका यहां कोई काम नहीं। यहां फिटनेस चाहिए जिससे आपका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। बट मैम, तो फिर आप यहां बैठी रहिए, हम सब यहां से चले जाते हैं। ये तुम खेल रही हो के घर की सफाइयां कर रही हो? टोटली होमलेस।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ मेरी सोनी करीम बहन है, कैसी है? ओ खैरियत तो है? सुबह सुबह कॉल की आज मुझे। मैं ठीक हूँ अदा। ठीक लग तो नहीं रही, और मुझे बता क्या हुआ है? अदा मेरा एक काम करोगे? हुक्म कर छोटी। बाबा और दादा जान की तस्वीर जो मेरे कमरे की दीवार पर लगी है न? हाँ, और उनके दरमियान में मेरी रेशमा की तस्वीर लगेगी जब तू खेल जीतेगी। उसके दरमियान साईं सचल सरमस्त के मजार की फोटो लगा दो। छोटी, सचल सरमस्त भी तो यही चाहते हैं कि तेरी फोटो लगे वहां पे। क्या हुआ क्या है मेरी बहन? छोटी बोलती क्यों नहीं? छोटी, अल्लाह ने के बाना था। किसी भी तरह नॉर्थ कैंपस से चारों गेम जीतने हैं। आप सब बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उम्मीद है कि हमें किसी एक्स्ट्रा खिलाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैडम, हमें किसी एक्स्ट्रा की जरूरत तो नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी तो है कि हमें कोई पानी पिलाए, जूस पिलाए और तौलिया भी पकड़ा दे। ओके, लाओ ये दो, तुम भी दो, ये लो। एंड नाउ सर्व द रियल प्लेयर्स। ओ, नाउ यू हैव अ जॉब। कम ऑन गर्ल्स, हु आर यू? साउथ कैंपस। हु इज द बेस्ट? साउथ कैंपस। हु इज द चैंप? यार रेशमा, हम तो जीत ही नहीं रहे। तुम्हारे सामने ही है यार, ऐसे तुम्हारी नाक ही कट जाएगी।
काश मुझे सिर्फ एक चांस मिला होता ना, कसम से मैं इनको एक गेम ना हारने देती। क्यों अपना खून जला रही हो? क्या पता तुम्हारी किस्मत में ही ना हो। बड़ी से बड़ी किस्मत भी ना किसी एक दुआ की मकरूज जरूर होती है। बस नीयत पक्की होनी चाहिए और इरादा मजबूत और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के दुआ करनी चाहिए बस। फिर अल्लाह सोना किस तरह हालात तब्दील करता है ना, तुम्हें पता भी नहीं चलता। देखो रेशमा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हें चांस नहीं मिलने वाला। तुमसे ज्यादा तो मुझे यकीन है कि मुझे कभी चांस नहीं मिलने वाला। लेकिन मेरा ईमान पक्का है कि मुझे चांस जरूर मिलेगा। बल्कि मेरा अल्लाह सोना है ना, मेरे लिए चांस बनाएगा जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही होगा। ये सब क्या हो रहा है मैडम? आप तो कह रही थी हम जीतेंगे। मैम, लड़कियां जोर तो लगा रही हैं। क्या खाक जोर लगा रही हैं? नॉर्थ कैंपस तो हमें बड़े बड़े मार्जिन से हरा रहा है और हमारे खिलाड़ी तो करीब भी नहीं फटक पा रहे। मैम, कभी कभी मैच के दौरान खिलाड़ी ऑफ कलर हो जाते हैं। तो फिर प्रैक्टिस किस बला का नाम होता है? प्रैक्टिस इतनी सख्त होनी चाहिए कि मैच आसान हो जाए। उन्होंने हमें बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस तीनों में हरा दिया। खुदारा कुछ तो कैंपस की इज्जत का ख्याल करें। मैडम, कम से कम कोई गेम तो जीत ले। मैम, हम कोशिश कर रहे हैं। दिखाई दे रही है मुझे आपकी कोशिश।
ये तस्वीर हमारे कॉलेज का प्राइड है, इसे मैं यहीं अपने ऑफिस में ही लगवाऊंगी। शाबाश रेशमा, शाबाश। यू आर रियल अ टीम प्लेयर। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। शुक्रिया मैम। मैडम, आपने बायस्ड होने का सबूत दिया है। खेल तो इंसान को फेयर प्ले सिखाता है, और आपने अनफेयर गेम की। आई एम रियली सॉरी मैम। सॉरी इज नॉट इनफ। मैं आपको इस कॉलेज से फायर कर रही हूं। ये क्या बात हुई मैम? मेरा मतलब है, अगर मैम सॉरी कर रही है तो वो इनफ है ना? बेटा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इसने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया। मैम, मुझे कोई मसला नहीं है। हमारे ढेंकी के खुले खेतों ने और मैदानों ने ना हमारे दिल भी खुले कर दिए मैम। वाकई रेशमा, हमारा दिल बहुत बड़ा है। हाँ, मेरे जिस्म से ही अंदाजा कर लो ना, अल्लाह ने दिल भी वैसा ही फिट कर दिया। शाबाश बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैडम को मैं एक और मौका देती हूँ। मैम, मेरे बाबा ने ना एक बात समझाई थी। मलाखड़े की जीत ना मैदानों में ही अच्छी लगती है। मैदान के बाहर तो ना कोई मुकाबला होता है और ना हार जीत। चेक करें आप लोग मेरी दोस्त के ख्यालात, ये सब मैंने सिखाया है इसे। सॉरी। ये तस्वीर हमारे कॉलेज का प्राइड है। थैंक यू वेरी मच बेटा, वेरी मच। अब मैम, क्या इसकी एक कॉपी मुझे भी मिल सकती है? मैंने ना ये तस्वीर अपने बाबा और दादा जान की तस्वीर के साथ लगानी है। हाँ हाँ, जरूर जरूर बेटा। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू।